अयोध्या से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अभी अभी इजराइल ने जबालिया और बेतहनून शहर में बम बरसाए हैं। हमले के बाद दोनों शहरों के ऊपर से काले और सफेद धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। जब इजराइल की सेना ने हमला किया, हमले की लाइव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया की टीम के कैमरे में भी कैद हो गई। वहां से थोड़ी दूर पर न्यूज 18 इंडिया की टीम भी मौजूद थी। गाजा बॉर्डर से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजा के अंदर लगातार आईडीएफ फोर्सेस की तरफ से हमले जारी हैं। इस वक्त आपको हम गाजा के उत्तरी सीमा के शहरों को दिखा रहे हैं, वो जहां से काला धुआं दिख रहा है आपको, जबालिया शहर दिख रहा है। जबालिया कैंप के बारे में भी आपने सुना होगा, जबालिया कैंप भी बगल में है, लेकिन ये जो काला धुआं आपको दिख रहा है, उत्तरी शहरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ गाजा सिटी को भी घेर रखा है आईडीएफ ने, लेकिन बाकी जो उत्तरी शहर है, जबालिया की बात करें, बेट हनून की बात करें या फिर बेट लहिया की बात करें, वहां ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। आज तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि वो गाजा पर हमले के बाद, इस वॉर के खत्म होने के बाद, अनिश्चित काल तक गाजा की सिक्योरिटी तय करेंगे, यानी इजराइल तय करेगा कि गाजा में किस तरह की सुरक्षा। काले धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ बेट हनून की तरफ काला धुआं जहां से निकल रहा है वो जबालिया है, और ये जो सफेद धुआं काले धुएं के नीचे, अगर हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह वहां तक लेंस को फोकस करके आपको दिखा सके, वो बेट हनून है। दरअसल तीन शहरों में, उत्तर के तीन शहरों में ज्यादा हमले हो रहे हैं, जबालिया, बेट हनून, बेट लहिया और गाजा सिटी सेंटर, जो थोड़ा दक्षिण में है लेकिन उत्तरी गाजा में ही पड़ता है। तो लगातार इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। एक महीने पूरा हो गया है इस पूरे हमले का, और इसराइल ने मौन रखा लेकिन हमले नहीं रोके गए हैं, और लगातार मौन रखने के बाद एक बार फिर एक के बाद एक हमले उत्तर गाजा की तरफ जारी है आईडीएफ की तरफ से।